हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। सो गाइज, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। और ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करें। तो चलिए फिर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। मैं आप कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस स्पेसिफिक पर्सन को इस समय मेरे व्यूअर्स याद कर रहे हैं, उस पर्सन के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। लुक, 5 of cups की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी इज हियर। ओके, टावर, फाइन, दिस इज क्वीन ऑफ वैंड्स, लवर्स। ओके, नेक्स्ट इज हाई प्रीस्टेस एंड 10 of cups। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोरिक साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। सभी जोरिक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी, अभी और भी जोरिक आएंगे तो हम उनकी भी बात करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर है 5 of cups की एनर्जीज हैं, स्ट्रेंथ है, टावर है, और आप देख रहे हो लवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है विद 10 of cups। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख ही रही है, ठीक है, टावर की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, और इसकी वजह है चीटिंग, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, डिसेप्शन मिला है आपको अपने पार्टनर की वजह से। इस पर्सन ने आपको अबैंडन कर दिया है, या फिर इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है बिना कोई रीजन के। यहाँ पर मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब जो है अपने रिलेशनशिप में एक ऑन एंड ऑफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कोई एक साइकिल है, एक पैटर्न है जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। बार बार ये व्यक्ति आते हैं, आपसे माफी मांगते हैं और आप इन्हें माफ कर देते हो, ठीक है, और फिर आपका दिल तोड़कर ये पर्सन आपसे दूर चला जाता है। तो एक ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ से एकदम ऐसे जाते हैं ना जैसे आप एकदम आउटसाइडर हो, जैसे ये पर्सन आपको जानते ही नहीं है। और जब इन्हें आपसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, या जब इन्हें आपकी आपकी याद आती है, ठीक है, तो ये पर्सन खुद ब खुद वापस भी आ जाते हैं, है ना। तो एक पैटर्न भी यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में चल रहा है। तो आपके पार्टनर ने आपको हो सकता है कि गोस्टिंग की एनर्जीज दी हैं। इस पर्सन को आपने बहुत बार माफ करा है, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम चीटिंग करी है आपके पार्टनर ने। मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर इससे पहले भी आपके पार्टनर आपका बहुत बार दिल तोड़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, आप हर बार इनको माफ कर देते हो। होता है ऐसा कि आप हर बार इनको माफ कर देते हो, इनकी बहुत सी चीजें तो आपने इग्नोर ही करी हैं। मतलब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप बहुत बार हर्ट हुए हो, ठीक है, लेकिन आपने इनके टॉक्सिक बिहेवियर को कह लीजिए या इनके नार्सिस्ट बिहेवियर को कह लीजिए, आपने बहुत बार इग्नोर करा है। इसलिए इग्नोर नहीं करा क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते थे, आपने इसलिए इग्नोर करा इनके उन बिहेवियर को क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हो, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप कहीं पर भी टूटे क्योंकि आप कोडिपेंडेंट हो अपने पार्टनर के ऊपर, आपके अंदर एक कोडिपेंडेंसी है अपने पार्टनर को लेकर, आप उनको अपना सब कुछ मानते हो, आप इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ मानते हो, और इस रिलेशनशिप को बचाने की खातिर ही आपने बहुत सी मतलब इस पर्सन की चीजों को इग्नोर करा है, ठीक है। आपने मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मतलब ये पर्सन हमेशा आकर आपसे माफी मांगते हैं और हमेशा यही चीज कहते हैं कि मैं फिर ये चीज नहीं करूंगा या फिर ये चीजें रिपीट नहीं होंगी रिलेशनशिप में, लेकिन फिर उन चीजों को रिपीट करते हैं ये पर्सन, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं जो इग्नोर करी गई हैं आपकी तरफ से क्योंकि आप इनसे पूरे दिल से, सच्चे दिल से आप इनसे प्यार करते हो। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इस समय ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, यू नो, इनके अंदर एक स्ट्रांग जेलसी की एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली जेलस है। जेलस क्यों है ये पर्सन? ये आपको लेकर जेलस है, ये पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर,
इनको ना लिटरली मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में या तो कोई आ चुका है, और इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि आपकी लाइफ में ना जैसे एंटर कर बिल्कुल जैसे सब कुछ झांक ले, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसको लाइक कर रहे हो, आप किसको स्टॉक करते हो, या आप किसको, अगर आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पर हो या किसी और डेटिंग ऐप पर हो, तो आप किसको जाकर मतलब सर्च करते हो, किसकी प्रोफाइल पर आप विजिट करते हो या किसकी पिक्चर्स को आप लाइक करते हो, ठीक है। मतलब इनको आपके बारे में ना सब कुछ जानना है, एवरीथिंग इस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ जानना है। मैं इनके अंदर एक स्ट्रांग जेलसी देख रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति आपके बारे में वन टू ऑल जानना चाहते हैं, लेकिन ये आपको दिखाना भी नहीं चाहते, ये आपको प्रिटेंड भी नहीं करना चाहते कि हाँ मैं जेलस हूं या मुझे फर्क पड़ता है, नहीं, ये आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहते। क्यों प्रिटेंड नहीं करना चाहते? उनसे इन्हें लगता है कि इनकी ईगो डाउन होगी, है ना, उनसे इन्हें लगता है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, तो ये प्रिटेंड भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप पर स्पाई भी पूरा करना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी पूरा करना चाहते हैं, आपके लिए जेलस भी फील करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी फील करते हैं, आपके लिए उदास भी होते हैं, आपके लिए रोते भी हैं, बिल्कुल ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहां पर ये व्यक्ति आपके बिना रोते भी हैं आपके लिए, लेकिन ये अपने आंसू नहीं दिखाएंगे आपको, नहीं दिखाएंगे, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी ईगो इतनी हाई है, नहीं दिखाने वाले अपने आंसू आपको, बट ये एक्चुअली में बहुत रोते हैं आपके लिए, चाहे ये मेल है, ठीक है, चाहे ये मेल है, चाहे ये फीमेल है, ये रोते हैं आपके लिए। इनको जब भी आपकी याद आती है ना, ये लिटरली बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इनको रोना भी आता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां तक ये एनर्जी आ रही है स्ट्रेंथ की, विद लवर्स एंड हाई प्रीस्टेस, आप इस पर्सन के लिए, लुक, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जब भी निकल कर आना, इट शोज मिस्टीरियस एनर्जीज, ये पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो। मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो इन्हें, इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपके बारे में कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और आप इनसे बहुत कुछ जैसे छुपा रहे हो, बहुत कुछ आप हाइड कर रहे हो इनसे, आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है तो आप वो हाइड कर रहे हो, और आप इनके सामने बहुत खुश, बहुत हैप्पी जो नजर आ रहे हो ना, इनको लग रहा है कि वो चीजें फेक है, ठीक है, आप रियली में आप खुश नहीं हो, इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आप रियली में खुश नहीं हो, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो इन्हें जानना है, इन्हें ऐसा लग रहा है आप कुछ चीजें हैं जो इनसे हाइड कर रहे हो, जो इनको नहीं बता रहे हो, और ये आपको मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग मिस्टीरियस एनर्जी में ये पर्सन देख रहा है, और ये आपके बारे में वन टू ऑल सब कुछ जानना चाहते हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस एनर्जी में भी देखते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत फीलिंग्स इनको फील हो रही हैं आपको लेकर, यू नो, मतलब आपका रिश्ता जो है ना बहुत ही यूनिक मुझे दिख रहा है, मतलब बहुत अलग है, सबसे हटकर है आपका रिश्ता, आपका आपका जो रिलेशनशिप है ना, इट इज लाइक बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छा बॉन्ड भी है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को आप समझते भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लड़ते झगड़ते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप एक सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप दोनों हो एक दूसरे के डिस्टाइंड पार्टनर भी आप दोनों हो, ओके, एंड मतलब ऐसा भी आप दोनों के बीच में है, जैसे कुछ है जो आप दोनों को ना जोड़े हुए है, बांधे हुए है, ये मतलब आप भी बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हो कि आप इनको भुला दो, इनसे दूर चले जाओ, इनसे मूव ऑन कर लो, और आपने ऐसा भी नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी इनसे मूव ऑन करने की, आपने अपने आप को पूरा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है ओवरऑल इनसे, बट आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, लेकिन आप लिटरली नहीं कर पाते हो, और ये चीज कुछ आपके पार्टनर के साथ भी है, क्योंकि ये पर्सन भी ना कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की, ठीक है, एंड बट ये भी नहीं कर पाते, तो कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं, कुछ तो है जो ऐसा जो आप दोनों को खींचता है एक दूसरे की तरफ, है ना, तो कुछ तो आप दोनों को बार बार खींचता है एक दूसरे की तरफ, तो आप दोनों ना का रिश्ता मतलब मुझे लिटरली एक टॉम एंड जेरी की तरह दिख रहा है, मतलब जो हो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हो और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, कभी आप उनको बहुत ज्यादा, और आप कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा चेज भी करते हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पर है, सो मतलब एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल रिश्ता आप दोनों के बीच में मुझे नजर आ रहा है, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये दिख रही हूँ कि कुछ तो चीज है जो इनको रोकती है, इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स में ये इतने ज्यादा स्टक्ड मुझे नजर आ रहे हैं ना, देखो स्ट्रेंथ भी नहीं है इनके अंदर, और यहाँ पर भी आप देखो ना टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है,
यानी कुछ तो है इनकी फैमिली में, कोई तो इनकी फैमिली में है जो इनको रोकता है. अब ये कोई भी हो सकता है, हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने पार्टनर ऑलरेडी यस मैरिड हो आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं और मैरिड है. तो कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, डिपेंड, हर किसी की अलग सिचुएशन होगी. सो कहीं ना कहीं कुछ तो इनके फैमिली इश्यूज ऐसे हैं जहां पर ये इतना ज्यादा स्टक्ड हैं कि ये चाहकर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते. इनकी बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, एक नई शुरुआत करने की, बट ये आगे नहीं बढ़ते हैं. एक हेजिटेशन है इनके अंदर. मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये हेजिटेट कर रहे हैं आपसे बात करने से, पहल करने से ये हेजिटेट कर रहे हैं, इनसे नहीं करी जा रही है, जबकि ये बहुत याद करते हैं आपसे, आपको. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, ये अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, और इतना ज्यादा दबा रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा घुट रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ये व्यक्ति. ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस स्पेसिफिक पर्सन को इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन वापस आना चाहते हैं. ओके, सो आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे. सोर्स, ग्रेट. क्या उस पर्सन के दिल में आज भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर? तो पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं यहाँ पर. कॉम्प्रोमाइज. ओके, क्या मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा उनके पार्टनर से? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन. कब होगा ये रियूनियन? सो इट विल बी स्ट्रेसफुल एंड सॉरो. ओके ओके गाइस, ठीक है. यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है गाइस, ठीक है. एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आना चाहते हैं बट इनको लग रहा है कि रास्ता बंद है. देख रहे हो आप, आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर आई है. ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में बट उन्हें ऐसे लग रहा है कि रास्ता तो बंद है, आप तो इनकी सुनने नहीं वाले हो. इन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई आपने अपने दिल के दरवाजे अब इनके लिए बंद कर दिए हैं, और अगर अब ये आपके पास आकर आपसे बात भी करते हैं तो शायद आप इन्हें सुनना भी नहीं चाहोगे, आप इनसे मुंह फेर लोगे. क्योंकि आपका आजकल भी कहीं ना कहीं आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अपनी एनर्जीज जैसे आपने पूरी तरीके से इनसे विड्रॉ कर ली है, तो कहीं ना कहीं आप आजकल इनको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और ये पर्सन इस समय आपको लेकर एक स्ट्रांग डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच कर शायद कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये खुद हर्ट हो जाएंगे. तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर आपने इनको अप्रोच नहीं करा, या आपने इनकी, अगर इन्होंने आपको मैसेज करा या इन्होंने आपको कॉल करा, आपने उस मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, राइट? तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी. इनकी ये ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी चीजों का एक तो बुरा मान लेते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं. देख लो, सोर्स की एनर्जी आई है, गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है ना, दिख रहा है ना गुस्सा सूरज की तरह. सोर्स वैसे एनर्जी होती है रूट कॉज की, ठीक है, पर यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इस पर्सन का गुस्सा बहुत तेज है, बहुत जल्दी चीजों का बुरा मान जाते हैं. ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज को लेकर बुरा मानकर बैठे भी हूं. ओके, इनकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये पर्सन किसी चीज का बुरा मानकर आपसे बैठे हुए हैं, और बहुत ज्यादा गुस्सा, नाराजगी है. मे बी कुछ आपने इन्हें ऐसा कह दिया है जिससे ये हर्ट हो गए हैं, जिनसे इनकी ईगो हर्ट हो गई है, या जिससे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है, ठीक है. तो कुछ तो आपने मे बी इनको ऐसा या तो कह दिया है, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आप इंटेंशन तो नहीं थी आपकी कि आप इनको हर्ट करो, लेकिन इनको बुरा लग गया. तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में हो सकता है, जिस वजह से भी ये पर्सन बुरा मानकर बैठे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन काफी हद तक ये भी सोचते हैं कि आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है. इनको लिटरली, इनको भी ऐसा लगता है कि आप इन्हें कोई एक्शन दो, ठीक है, आप इनको कॉल करो, आप इनको मैसेज करो, आप अब एफर्ट्स डालो इस रिश्ते में, आप इनसे बात करो. तो ये पर्सन इस बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप गलत हो, शायद आपने चीटिंग करी है, शायद आपने इनको हर्ट कर दिया है, और ये खुद को विक्टम एनर्जी में देख रहे हैं. उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो खुद विक्टम है, ठीक है, उन्हें हर्ट करा गया, उन्हें पेन मिला है ना. तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें कॉल करो या आप उनको मैसेज करो, तो ये भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं इस बारे में. आप दोनों का रिश्ता ऐसा है एकदम पास्ट लाइफ विद कॉम्प्रोमाइज. ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट एनर्जी. यहां पर मैं देख रही हूं आप दोनों का पास्ट लाइफ एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग इस जन्म से नहीं जुड़े हुए हो, आप पिछले कई जन्मों से जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ.
आपको इनसे जब फर्स्ट टाइम है, मेरा मतलब आपसे ये सवाल है कि जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे तो क्या एक्चुअली में आपको लगा था कि हाँ मैं इस पर्सन को पहले से जानती हूँ या जानता हूँ? मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल रीड इट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप मतलब ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जहां पर बहुत थोड़े समय में आपका एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड एक दूसरे के साथ बन गया। ये किस लिए बना? ये इसलिए बना क्योंकि आप लोगों का है पास्ट लाइफ कनेक्शन, है एक दूसरे के साथ कई जन्मों से जुड़े हुए हो, और इधर यहां पर भी आपका री इंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म हुआ है आप लोगों का, ठीक है? और आप दोनों एक ही सोल के दो पार्ट हो जो एक दूसरे से मिलने के लिए यहां पर इस 3D वर्ल्ड में आए हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आप कनेक्टेड हो ही एक दूसरे के साथ, लेकिन इस 3D वर्ल्ड में भी एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, इस कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस प्यार को कंप्लीट करने के लिए आए हो। ओके, तो डेस्टाइन कनेक्शन तो डेफिनेटली है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये व्यक्ति आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि आप उनको समझो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उनका वेट करो। लिटरली यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना कर जाओ, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप मूव ऑन कर जाओ या आप किसी और के हो जाओ। ओके, क्योंकि उनको लग रहा है, एक्चुअली में उनको लग रहा है कि आप किसी और के हो रहे हो और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाओ। तो ये पर्सन चाहते हैं आप इनका वेट करो, आज भी आप इनका इंतजार करो। ये पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह है स्ट्रेस एंड सॉरो। रीयूनियन डेफिनेटली आप दोनों का होने वाला है और रीयूनियन आप दोनों का होगा मे बी विद इन नेक्स्ट 8 to 9 days के अंदर हो सकता है बहुत लोगों का रीयूनियन। और यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि रीयूनियन की वजह क्या बनेगी, तो रीयूनियन की वजह बनने वाली है सॉरो एंड स्ट्रेस। यानी आपके पार्टनर जब भी आजकल आपको याद करते हैं ना, तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज भी देख रही हूँ, स्ट्रेस को लेकर हो सकते हैं, बीपी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो सकता है या फिर सर्वाइकल माइग्रेन, किसी भी तरीके का कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू जो कि स्ट्रेस से क्रिएट करा गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है स्ट्रेसफुल, तो ये स्ट्रेस वजह बनेगी। ये पर्सन को पता है, इन्हें ना आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, इन्हें पता है कि आपके साथ अगर ये जुड़े रहेंगे ना तो ये पॉजिटिव फील करते रहेंगे। आप इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हो, ओके? जब ये आपके साथ होते हैं ना, ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, ये आपके साथ कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं एंड आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, और इन्हें पता है कि आप जज भी नहीं करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको ही गलत ठहराओगे या इनको जज करोगे कि ये तो ऐसा है ये तो वैसा है, नहीं, इन्हें पता है आप इन्हें जज नहीं करोगे। अरे, ये आपके साथ बहुत ओपन अप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन अप नहीं रहे हैं। हाँ, अभी ऐसा केस चल रहा है जहां पर आप दोनों क्लोज्ड ऑफ हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट बहुत ओपन अप रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, यू नो, ये हर चीज आपके साथ शेयर करते थे और बिना किसी डर के, बिना किसी ऐसे डर के कि आप इन्हें जज करोगे या आप इन्हें गलत ठहराओगे, ठीक है? और अब क्या हो रहा है ना कि अब जब आप इनसे दूर हो तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस और सोरो में मुझे नजर आ रहे हैं। यानी इनकी लाइफ में बिल्कुल खुशियां नहीं रही हैं, बिल्कुल किसी तरीके की हैप्पीनेस नहीं रही है इनकी लाइफ में, और इन्हें पता है कि इनकी ट्रू हैप्पीनेस आपके पास है। तो ये स्ट्रेस और सोरो जो है ना, ये जो परेशानी है ना, ये इनको अंदर से इस चीज का एहसास दिलाने वाली है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। अगर इन्हें लाइफ में खुश रहना है, अगर इन्हें लाइफ में हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो इन्हें आपको अप्रोच करना होगा और इन्हें आपको मनाना होगा। ये अब आपको, इन्हें आपको चेस करना होगा, राइट? तो इनके अंदर से ना कहीं इनकी इनर वॉइस इनको इस बारे में अंदर से झिंझोड़ रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ओके? सो ये स्ट्रेस और सोरो उनको ट्रिगर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल एक स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है, इनके माइंडसेट में आ रहा है। अगर अभी तक ये आपको गलत ठहरा रहे थे, अगर ऐसा कुछ था अभी तक, मतलब आपसे गुस्सा थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, डाउट्स थे, ठीक है, ये आपको किसी तरीके से ये गलत समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि आप तो गलत हो, आप इनके साथ किसी मतलब के लिए जुड़े हो, आप इनके साथ पैसों के लिए जुड़े हो, इनकी पावर के लिए जुड़े हो, या आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब अगर किसी भी तरीके से ये व्यक्ति आपको गलत ठहरा रहे थे, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ उनके माइंडसेट में एक चेंज आ रहा है, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहां पर इनको एहसास हो रहा है इस चीज का कि हाँ ये गलत थे और ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें रियलिटी दिख रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इनके माइंडसेट में आ रहा है, एक चेंज आ रहा है इनके माइंडसेट में, ओके? चलिए,
और भी देखते हैं गाइस और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को। वन सेकेंड गाइस, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। वन सेकेंड गाइस, एक बार हम उस कार्ड को ले लेते हैं, सेकेंड टाइम जो फॉलोअप हुआ है। ओके, सो दीज आर द थ्री कार्ड्स, ओके इट्स फोर कार्ड, ठीक है इनको भी लेते हैं। सो किंग ऑफ कप है, टू ऑफ कप की एनर्जीज हैं, थ्री ऑफ वैंड है एंड डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी निकल कर आ रही है। एस ऑफ कप्स, ओके द सन एंड बॉटम में यहां पर एस ऑफ वैंड की एनर्जीज भी हैं, दैट इज ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं यहां पर उनके जो जोडियक्स हैं, यानी अभी जो मैंने उनके कार्ड्स निकाले हैं, इट इज कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। ओके यहां पर भी देखिए एस ऑफ वैंड आ गया, किंग ऑफ कप आ गया एंड टू ऑफ कप्स आ गया। यू नो अभी तक आपके पार्टनर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, मे बी ठीक है, वो ज्यादा गॉड में या स्पिरिचुअलिटी में इतना बिलीव नहीं रखते थे, डिवाइन पर इतना बिलीव नहीं रखते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि व्यक्ति ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और आपकी भी हुई है, आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपको लेकर, मतलब उनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो रिश्ता ऐसा है उनका जो वो चाहकर भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब अभी तक उनको नहीं अगर यकीन था ना कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी कुछ होते हैं, तो अब इनको कहीं ना कहीं इस चीज पर भी यकीन आ रहा है कि हाँ आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये व्यक्ति ऐसा भी है कि ये व्यक्ति आपको टेलीपैथिकली कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि बैठे बैठे एकदम से इनकी याद आपको आ जाती है, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है आप अपने वर्क में बिजी हो या आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो और एकदम से उनकी याद अगर आपको आती है एकदम इंस्टेंटली, ठीक है, तो ऐसा कुछ है कि जहां पर ये व्यक्ति ना आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पर्सन की, ओके आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी सेकेंड टाइम निकल कर आई है, डिफरेंसेस बिल्कुल है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन को लेकर। एंड अभी तक ये डिफरेंसेस आपके पार्टनर के लिए बहुत मैटर करते थे, यानी अभी तक अगर आप उनसे कहते थे ना कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में, एश्योरेंस चाहिए इस रिश्ते में, अगर आप इनसे एक्सपेक्ट भी करते थे, तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक आपको मतलब यही कहकर टाल देते थे चीजों को कि नहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, बहुत मुश्किल होगी ये चीजें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको डर था अभी तक फ्यूचर को लेकर, उनके दिल में अभी तक डर था कि आपसे शादी कर पाएंगे भी या नहीं, इनकी फैमिली एग्री करेगी भी या नहीं, ठीक है कल को कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भी ये डर थे ना वो डर इनके खत्म हो रहे हैं। मैं लिटरली यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जैसे उन फियर्स को ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली एक रिग्रेट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखो एस ऑफ वैंड की एनर्जी है जो कि रिग्रेशन को शो करती है, ये ना लिटरली रिग्रेशन वाली जिंदगी जी रहे हैं। मतलब इनको इतना ज्यादा पछतावा हो रहा है आपको छोड़कर, आपसे बात बंद करके, कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये इतना परेशान है, इतनी प्रॉब्लम्स में है, इसकी वजह यही है कि इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है। इनके खुद के एक्शंस, इनके खुद के बिहेवियर ही इन चीजों की वजह है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे सौरों की एनर्जी में बहुत ज्यादा अपसेट मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस तो आना चाहते हैं और इन्हें पता है कि ये तभी खुश हो पाएंगे जब ये आपके साथ वापस आएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आएंगे। यू नो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहां पर जब से आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, इस पर्सन की लाइफ में मतलब हैप्पीनेस नहीं आई है। ओके ये पर्सन खुश नहीं हुए, दिल से खुशी नहीं मिली इनको। ओके चाहे इनकी लाइफ में कितना ही अच्छा अच्छा क्यों ना हुआ हो, पर ये दिल से खुश नहीं हुए क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। ये अपनी खुशियों को भी ना आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज।
ओके चलिए और भी चेकआउट करते हैं, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जीज बताएं। ओके सो दिस इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल। ओके यहाँ पर है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सजिटेरियस, सारे जोडियक्स यहाँ पर भी निकल कर आए हैं। आप यहाँ पर देखिए ये कार्ड, पता है क्या चीज है, आप इस कार्ड को सॉरी गुरु देखिए, सही से देखिए इस कार्ड को। इस कार्ड में क्या चीज हो रही है ना, इस पर्सन की शादी किसी और से होने वाली थी, ठीक है, लेकिन ये पर्सन को रियलाइज हो गया कि मैं इससे प्यार करता हूँ। इस कार्ड को आप सही से देखोगे ना, तो इस पर्सन को रियलाइज हो गया कि नहीं, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैं तीन जिंदगियां नहीं खराब कर सकता। तो ये पर्सन जहां पर इनकी शादी होने वाली थी ना, ये पर्सन उसको छोड़कर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मुझे आपकी लाइफ में भी नजर आ रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के ऊपर ना फैमिली प्रेशर दिया जा रहा है कि वो किसी और से शादी करें, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी तक सिंगल हो, ओके, और उनके पार्टनर के ऊपर फैमिली का प्रेशर है शादी करने का, और उनकी फैमिली उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जहां पर उनकी फैमिली चाहती है ना कि वो शादी करे तो वो वहां शादी करे, ओके, और आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाने वाले हैं। ये अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है आपके पार्टनर, इतना भी मैं आपको बता दूं। तो यहां पर क्या है ना, वो अपनी फैमिली प्रेशर में आकर कहीं और या तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है, कहीं और उनकी कमिटमेंट हो रही है, कहीं और उनकी शादी तय होने जा रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये पर्सन को एंड मोमेंट, ठीक है, अगर ये आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाल कर गए हैं ना, किसी और के लिए किसी और की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको छोड़ दिया है, आपको सेकेंड ऑप्शन बना दिए, तो इनको एंड मोमेंट ये चीज रियलाइज होने वाली है कि नहीं भाई, प्यार तो मैं इससे करता हूँ। इनके इमोशंस इतने हाई, इतने स्ट्रांग इमोशंस हो जाने वाले हैं आपके पार्टनर के मतलब लिटरली ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको एहसास हो जाएगा, इनको रियलाइजेशन हो रही है, स्ट्रांग रियलाइजेशन हो रही है इस व्यक्ति को कि ये आपसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं। ओके सो ऐसी एनर्जी भी मैं बहुत लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ, और ये व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास, लुक हियर, अभी तक तो ईगो में बैठे हुए थे, ठीक है, और मुंह फेरा हुआ था इन्होंने, इनको भी लग रहा था कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये क्यों आपसे बात करें, लिटरली इनको यही चीज लग रही थी अभी तक, ये अपने ईगो में थे, इनको लग रहा था कि जब आप ही बात नहीं कर रहे हो, आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, तो ये क्यों झुके, ठीक है, ये क्यों झुकाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपसे बातें करें, नहीं, क्योंकि ये कुछ बहुत हर्ट करके गए हैं आपको, ये लिटरली बहुत हर्ट करके गए हैं, आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से, ओके, और बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अब ये पर्सन अपनी, इनकी वो ईगो भी टूट रही है, खत्म हो रही है, और ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करने भी आ रहे हैं, ये लिटरली नियर फ्यूचर में आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आपको शादी का ऑफर रखेंगे आपके सामने, एंगेजमेंट का ऑफर रखेंगे, हो सकता है, देखो यहाँ पर ये आपको रिंग भी दे रहे हैं, है ना, एंगेजमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड जिन जिन लोगों की लाइक एनिवर्सरी या बर्थडे आने वाला है ना, तो बहुत लोगों का रियूनियन तो उसी टाइम पर हो जाएगा, और अगर आपका डिवाइन टाइमिंग लाइक अभी भी नहीं आया है तो ये नेक्स्ट फुल मून जो आपका आने वाला है उसमें बहुत लोगों का रियूनियन भी यहाँ पर होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ये सपना है इनका, ये लिटरली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा करें, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इस चीज को लेकर ये प्लानिंग भी बना रहे हैं, यानी इनके दिमाग में ये प्लानिंग भी चल रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना है, इन्हें आपसे बात करनी है। ओके और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये जो है, देखो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हो, आप रहते तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, लेकिन आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, एक अच्छा बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में होना चाहिए ना, वो आप दोनों के बीच में नहीं है। ओके सो यहाँ पर लिटरली मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति, ठीक है, इस चीज का एहसास करने वाला है, ये आपकी वैल्यू करने वाला है, ये आपकी रिस्पेक्ट करने वाला है, इनको स्ट्रांगली एहसास होगा आपके इमोशंस का,
उनको अगर ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो उनको एहसास होगा इस चीज का कि वो कितना गलत है आपके साथ. ठीक है, आप अगर एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ इनसे ही एक्सपेक्ट करोगे ना, क्योंकि आप इनसे ही तो प्यार करते हो. आप जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी होगी लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, तो वो आप इनसे ही तो एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए ये करे, वो करे, आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपके सपनों को पूरा करे. तो मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो एक दूसरे के, ठीक है, तो भी ये पर्सन आपको, आपकी वैल्यू बहुत जल्दी रियलाइज होने वाली है, तो भी ये पर्सन आपको आकर सॉरी बोलने वाले हैं. क्योंकि लिटरली ये एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति आकर आपको सॉरी बोलेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, जो भी जिस भी तरीके से इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, उन सब चीजों के लिए. और इस बार का सॉरी पहले वाले सॉरी की तरह नहीं होने वाला है. यानी पहले भी इन्होंने बहुत बार आपको सॉरी बोला होगा गलती करके, लेकिन तब इतने जेन्युइन नहीं थे, लेकिन अब ये एक ट्रू इंटेंशन से आकर आपको सॉरी बोलने वाले हैं. मैं यहां पर देख रही हूं कि आपके पार्टनर आपके सामने कुछ ऑफर रख सकते हैं कि आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, कि आपसे मीटअप का प्लान बना रहे हैं, मतलब आपसे मिलने का, आपसे बात करने का. सो लिटरली मीटअप का प्लान ये बना रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो क्यों ना आपके घर के आसपास आया जाए, आपसे मिला जाए और चीजों को वहां पर सॉल्व करा जाए. तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर ये कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि आपसे मीटअप करा जाए, आपसे मिला जाए और अकेले में आपसे बात करी जाए, ताकि जो भी आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके एक क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू. ओके, सो दिस इज व्हाट द नियर फ्यूचर एनर्जीज, ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज हैं. चले कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से. सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उनको पहले एहसास नहीं था कि उनके दिल में इतना डीप लव है आपको लिए, इतना है डीप लव. कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें प्यार ही नहीं करते हो, आप उनसे लव ही नहीं करते हो, बट आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, आप बहुत स्पेशल हो. ठीक है, और आपको अपने दिल से निकाल पाना उनके बस की नहीं है. ठीक है, ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें या ना कहें, ये आपको देखना चाहते हैं. और ये जब आपको देखते हैं ना, लिटरली इनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं, ऐसे रुकती हैं कि जैसे अब इन्हें कुछ और देखना ही नहीं है. ओके, ये आज भी वेट कर रहे हैं एब्सोल्युटली आपके कॉल, आपके किसी मैसेज का या आपके किसी एक्शन का. आप जो नहीं हो ना इनके साथ, इनको लग रहा है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है इनके पास. ठीक है, बहुत अकेलापन इनको फील हो रहा है, बहुत लोनली लोनली आपके पार्टनर फील कर रहे हैं. सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग थी. कैसी लगी ये रीडिंग, जरूर क्लेम करें अगर आपके साथ भी ये चीज रेजोनेट हुई. और इसकी पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आए क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर.